इंडस्ट्री के ऐसे कई कलाकार हैं जिनकी कहानी आप सबको काफ़ी ज़्यादा दिल से रुला देती होगी। असल ज़िंदगी में फिल्मी कहानियों जैसी ही कई अभिनेत्रियों की ज़िंदगी दर्द और पीड़ादायक रही। 1975 की बात कर रहे हैं हम। कमल हसन के साथ के बालाचंद्रन की फिल्म अपूर्वा रंगागल में काम करने वाली अभिनेत्री श्रीविद्या, क्या आपको मालूम है उनके बारे में? क्या आप सबको मालूम है श्रीविद्या जो कमल हसन के प्यार में पड़ी थी, इस कदर प्यार में पागल हुई थी वो कमल हसन के कि वो उनसे शादी करने के लिए किसी हद तक जाने को थी तैयार, मगर अफसोस अभिनेत्री की मां ने नहीं दी थी इजाज़त शादी करने की, जिसके कारण नहीं हो सकी कमल और श्रीविद्या की शादी। कमल हसन कोई छोटे मोटे स्टार तो है नहीं। कल की फिल्म रिसेंटली रिलीज़ हुई और उसमें भी कमल हसन को देखा गया। तमिल मलयालम फिल्मों में कमल हसन ने काम कितने किए हैं, किस तरह वो साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार है सबको पता है। आइए ऐसी ही अभिनेत्री श्रीविद्या जो उनकी दीवानी थी, उनकी प्रेमिका थी, उनकी ज़िंदगी के दर्दनाक किस्से के बारे में जानते हैं, जिनकांत भी काफ़ी दर्द भरा हुआ। तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा श्रीविद्या 70 के दशक की बहुत ही जानी मानी अदाकारा थी, जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर ली थी। तमिल और मलयालम सिनेमा में एक बड़ा नाम बनने के बाद उन्होंने अपूर्वा रंगागल की फिल्म, इस फिल्म में काम किया जो कि बालाचंद्रन के साथ उनकी फिल्म थी 1975 में। लीड रोल में इस फिल्म में कमल हसन और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी थे। रजनीकांत इसमें साइड रोल में थे और कमल हसन लीड रोल में, और उस वक्त डेब्यू था उस वक्त कमल हसन का भी। रजनीकांत को काफ़ी फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन श्रीविद्या इस फिल्म से बनी सुपरस्टार। स्टारडम ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी थी इस फिल्म के बाद। उन्हें फिर करियर बदलने का मिला मौका, अपना पूरी तरह से कामयाबी की बुलंदियों को छूने का। उनकी करियर के लिए ये फिल्म जो है हमेशा के लिए सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों, हम आप सबको इस बारे में भी बताना चाहेंगे, हम आप सबको कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की बुलंदियां छुई और कैसे उनकी करियर और निजी ज़िंदगी काफ़ी अलग थी, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से बदलाव आया। 1953 में चेन्नई में जन्म लेने वाली जुलाई के महीने में श्रीविद्या कृष्णामूर्ति की बेटी थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े कॉमेडियन थे कृष्णामूर्ति, उन्हीं की बेटी थी श्रीविद्या, और उनकी माँ एमएल वसंत कुमारी हार्नेटी क्लासिकल सिंगर थी, और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, मिला था उन्हें पद्म भूषण अवार्ड सिंगिंग जगत में। श्रीविद्या के जन्म के बाद उनके पिता बीमार रहने लगे और गरीबी की स्थिति से गुजरना पड़ा उनके परिवार को, जिसके कारण उनके ट्रीटमेंट की वजह से भी परिवार और ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगा। श्रीविद्या ने इंटरव्यू में बताया था, स्टारडम हासिल करने के बाद, एक प्रोमिनेंट एक्ट्रेस बनने के बाद, कैसे उनके माँ उनके लिए समय नहीं निकाल पाती थी। उनके पास तो ब्रेस्ट वेस्ट फीड करने का भी समय नहीं होता था, श्रीविद्या को दूध पिलाने का भी समय नहीं होता था उनकी माँ के पास। 13 साल की उम्र में श्रीविद्या घर चलाने के लिए आई थी। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा भी ऐसी ही स्थिति से गुजरी। बेहद कम उम्र में रेखा को भी बॉलीवुड में आना पड़ा था। साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा था घर चलाने के लिए, और इसी तरह श्रीविद्या को भी घर चलाने के लिए 13 साल की उम्र में टीवी जगत, बॉलीवुड जगत से हटकर साउथ इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा था। उन्होंने बताया था किस तरह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े बदलाव आए थे। उन्होंने न सिर्फ
ग्रेट डांसर के तौर पर अचीवमेंट हासिल की, बल्कि एक्टिंग में उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया। और फिर तमिल फिल्म कुमारा सम्भवन में उन्हें 1969 में काम कर मौका मिला उन्हें काम करने का। और इसके बाद ताता माना वधु 1972 की रिलीज़ हुई इस फिल्म में उन्होंने काम किया। और फिर कई हिट फिल्म देने के बाद वो बनी तमिल फिल्म की स्टार। और फिर बाद में मलयालम सिनेमा में भी नाम कमाने का उन्हें मिला मौका। और फिर 1975 में उन्हें कमल हसन के साथ मिली फिल्म करने का मौका। जी हाँ, इसके लिए उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव भी बीच में झेले थे। खैर, यहाँ आप सबको बता दें, एक्ट्रेस श्रीविद्या और कमल एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन श्रीविद्या की माँ ने उन्हें शादी से किया मना। और फिर डायरेक्टर भारत रत्न के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का लिया फैसला, लेकिन रिलेशनशिप नहीं चली भारत रत्न के साथ श्रीविद्या की। कमल हसन को भी मजबूरन उन्होंने छोड़ा, क्योंकि भारत रत्न जो उनके डायरेक्टर थे, उन्होंने KPAC ललिता के साथ रचाई बाद में शादी, और कमल हसन ने वाणी गणपति से रचा ली शादी। दो बार प्यार में पड़ी श्रीविद्या को दो बार प्यार में मिला सिर्फ और सिर्फ अधूरापन, अकेलापन। फिर उन्हें जॉर्ज थॉमस से प्यार हुआ। जी हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो मलयालम फिल्म तिक्करण के, और उस वक्त उनसे प्यार हुआ श्रीविद्या को। 1978 में श्रीविद्या ने उनसे शादी रचाई और परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने फैसला लिया। ना सिर्फ शादी के लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कराया, बल्कि काफ़ी ज़्यादा शादी से पहले उन्हें बैप्टाइज्ड भी होना पड़ा जॉर्ज के विश के अकॉर्डिंग। उनके शर्त के अनुसार श्रीविद्या ने अपनी एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया शादी के बाद, और हाउसवाइफ बनकर रहने का लिया उन्होंने फैसला। और उसके बाद उनके सपने जो पूरे नहीं हुए, उनके पति ने उन्हें फिर काम करने को बोला, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे थे उनके पति। पैसों की तंगी के कारण मजबूरन ज़बरदस्ती फिल्म करने के लिए उनके पति ने उन्हें भेजा। कुछ महीने बाद शादी के श्रीविद्या को एहसास हुआ अपनी गलतियों का। जॉर्ज ने सिर्फ उनकी संपत्ति के लिए उनसे शादी की, पर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जॉर्ज ने। 1980 में श्रीविद्या ने जॉर्ज को तलाक दिया। केस पैसों की तंगी की वजह से नहीं बढ़ पाया आगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो पहुंची, और वहां उन्हें फाइनल वर्डिक्ट में मिली जीत, जिसके बाद हम आपको बता दें, केस जीतने के बाद श्रीविद्या ने चेन्नई छोड़कर तिरुवनंतपुरम में रहने का लिया फैसला। फिर 2003 में बायोप्सी से गुजरने के बाद मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर से पॉजिटिव वो पाई गई, और ट्रीटमेंट 3 साल चला। और अक्टूबर 2006 में श्रीविद्या ने 53 की उम्र में हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहा। पूरे सम्मान के साथ तिरुवनंतपुरम में उन्हें क्रिमेट किया गया। नेक्स्ट 9 लाइव स्क्रिप्टिक रिपोर्ट।